मर चुकी है, वो दफन हो चुकी है। वो नहीं आप ऐसा ना कर, और वैसे भी जब कोई अपना मर जाता है तो कब्रिस्तान में फातिहा के लिए तो जाते हैं ना। ये सोच के मुझे एक बार अपनी बच्ची से मिल लेने, एक बार उसकी सूरत देख लेने दे, मैं तड़प रही हूँ। औरतें कब्रिस्तान भी नहीं जाती। सख्त की रहे आप, पत्थर दिल है, लेकिन मैं माँ हूँ, वो बेटी है मेरी, मैं कैसे छोड़ूं? मुझे एक बार जाने दे ना, मुझे एक बार जाने दे हमें। बस एक बार इन्हें जाने दे। नहीं, आज अगर इन्हें जाने ना दिया तो ये सारी जिंदगी इस तरह तड़पती रहेगी, और मैं अम्मी को इस तरह नहीं देख सकती। तुम इस मामले से दूर रहो ज़ुबी। ज़ुबी, तुम समझ रही हो ना मेरे जज्बात को, तो अपने अब्बू को भी समझाओ। समझा ही तो रही हूं इन्हें अम्मी, लेकिन आप भी एक बात समझ दीजिए, बच्चों से मिलकर आने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। मेरा जनाजा उठाने के बाद भी आप इसी तरह तड़पती रहेंगी, इसी तरह चलती रहेंगी आप। ये क्या कह रही हो ज़ुबी? मौत के मुंह में पड़ी थी ना मैं, आप और अब्बू की दुआएं मुझे वहां से वापस लेकर आई थी, और बच्चों के इतना कुछ कर जाने के बाद भी आप मुझके लिए इतना तड़प रही हैं। काश कि आप दोनों की दुआएं कबूल ना हुई होती, काश मैं मर चुकी होती। आप मुझे शोर इस तरह की बातें आपसे नहीं निकालते हैं ज़ुबी। अच्छी अच्छी बातें बोलो। आज आपको फैसला करना होगा, या तो मैं या बच्चों। खबरदार, आज के बाद तुम इस घर में उसका जिक्र नहीं करोगी, तुम्हारी जुबान पे उसका नाम नहीं आएगा, तुम्हारी जेहन में उसका ख्याल भी नहीं आएगा। सुन लिया तुमने?